हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यस्टे ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र का तीसरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तीसरा मॉडल पेपर होगा, इसके पहले का मॉडल पेपर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के जिससे तैयार किए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्गंथाओ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राजनय। ठीक है, मार्गंथाओ मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य सबसे प्रमुख करता है तथा उनका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति है। राष्ट्र राज्य जो होता है शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। और मार्गंथाओ की एक पुस्तक थी इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ये जो 1951 में आई थी, और इसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन राजनय है। ठीक है, तो ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इसी में जो है इसका व्याख्या किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है यानी मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप देख लीजिए, मार्टिन सुबिक सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद, ये आपका मिलान सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद मार्टिन सुबिक का नहीं था। ठीक है, और सभी इसमें जो है कार्ल डायच जो है संचार उपागम से संबंधित थे, हंस मार्गंथाऊ यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित थे, थॉमस सेलिंग ये खेल सिद्धांत से संबंधित थे। तो यहाँ पर बेमेल पूछा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो संचार सिद्धांत का जनक नॉर्बर्ट वीनर को माना जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संचार सिद्धांत का जनक प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ नॉर्बर्ट वीनर है। वीनर ने संचार प्रतिमान का विकास, संदेश सिद्धांत, साइबरनेटिक्स तथा फीडबैक सिस्टम के आधार पर जो है संचार सिद्धांत का विकास किया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है? तो सामूहिक सुरक्षा ये सबसे अधिक व्यवस्थित है शक्ति संतुलन से। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक सुरक्षा से आशय होता है कि ऐसी क्षेत्रीय या वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था जिसका प्रत्येक घटक राज्य यह स्वीकार करता है कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय है। ठीक है, और सामूहिक सुरक्षा में शक्ति संतुलन अधिक व्यवस्थित है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 जज या न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हेग में है, जो नीदरलैंड में स्थित है। तो यहाँ पे सभी पॉइंट को याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा पत्र अपनाया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र में घोषणा पत्र कब अपनाया गया था? तो 1948 में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1948 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग जो है यह विश्वास करते हैं कि ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। ठीक है, और मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा जो है 2006 में की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, इसको आपको मिलान करना है। तो भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता किसके काल में हुआ था? तो ये मनमोहन सिंह के काल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा सही हो जाएगा। और ताशकंद समझौता किसके काल में हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के काल में। तो तीसरा हो जाएगा, दूसरा में सही, शिमला समझौता। तो शिमला समझौता के लिए जानी जाती हैं इंदिरा गांधी, और पंचशील समझौता के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपका कोट नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया, तो वो था इंडोनेशिया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1965 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता त्यागने वाला पहला राष्ट्र जो है इंडोनेशिया बना था।
यह वस्तुतः इंडोनेशिया और मलेशिया संघ के मध्य विवादों की वजह से हुआ था। इंडोनेशिया का कहना था कि यदि मलेशिया को सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल जाती है तो वह संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता छोड़ देगा। हालांकि 18 महीने बाद जो है 18 सितंबर 1966 को फिर से वह यूएनओ का सदस्य बन गया था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? तो ये था दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम सार्क कहते हैं, की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और इसके संस्थापक देश में कौन कौन से थे? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल था। और अप्रैल 2007 में जो है 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना इसका, और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये 1968 में भारत में लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित विधेयक प्रथम बार जो है 1968 में संसद में पेश किया गया था। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जो है भारत में लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा जो है भारत में लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिलीप सिंह भोरिया समिति। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार की संभावनाओं को तलाशने के लिए भारत सरकार ने जो है 1994 में दिलीप सिंह भोरिया के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। और 1995 में भोरिया समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और समिति की सिफारिश के आलोक में जो है 1996 में संसद ने जो है ये एक्ट पारित किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, भारतीय सिविल सेवाओं के लिए जो है अभ्यर्थियों का चयन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। और ये संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसको याद रखिएगा, ये एक संवैधानिक संस्था है। अगला है, जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसे कहा जाता है? तो उसे अभिभावक नौकरशाही कहा जाता है। ठीक है, अभिभावक नौकरशाही जो होता है वो स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है किंतु वह जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो फ्रेडरिक टेलर ने। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वीं सदी के पहले दशक में जो है टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रतिपादन किया था। यह प्रशासन का पहला सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत है। वैज्ञानिक प्रबंधन नामक शब्द का पहली बार जो है लुई ब्रेंजी ने प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हित निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा पंचायत के चुनाव कराने हित निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। और पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जिसका कार्य जो है पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली का निर्माण करना, चुनाव पर नियंत्रण तथा निगरानी रखना, किंतु चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो? तो ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, ये भी सही है। प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो, तो ये भी सही है। 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रशासक हो अथवा रह चुका हो, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों आपका सही हो जाएगा।
तो कोट नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने जो है नागरिकों की शिकायत निपटाने के लिए जो है लोकपाल और लोकायुक्त नामक दो अभिकरणों की स्थापना की बात कही थी, और इससे जो है संबंधित संविधान संशोधन जो हुआ था 2013 में हुआ था। और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष चुना जा सकता है, वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो। ये तीनों कंडीशन आपको इसमें फॉलो करता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है किसका, तो यूएसए प्रशासनिक प्रणाली का, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्र नियामक आयोग का विकास जो है वर्ष 1887 में अमेरिका की विशेष संवैधानिक प्रणाली में हुआ था, जिसका उद्देश्य था सार्वजनिक हितों की रक्षा व अभिवृद्धि करना। वर्तमान में इनकी संख्या 10 है और इनका कार्यकाल जो होता है 5 से 7 वर्ष तक होता है। ये आयोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है, इनमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है, तो समर्थन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, प्रबंधन व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से वाटसन के द्वारा की गई थी, और इसमें शामिल किया गया था संरचना को, रणनीति को, व्यवस्था को और कौशल को, तरीका, कर्मचारी और मूल्यों का प्रसार। ठीक है, तो ये सभी था, लेकिन इसमें समर्थन को शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी, तो अभी हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़े हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1887 में। ठीक है, अमेरिकी सरकार ने अपना पहला नियंत्रक नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना जो है 1887 में की थी, और वर्ष 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। और अमेरिकी प्रशासन में जो है इन्हें शीर्ष विहीन सरकार और वह शासन की चौथी शाखा कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथोर्न का प्रयोग के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं, तो हाथोर्न का प्रयोग जो है ये 1920 के दशक के अंत के हैं। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाथोर्न का प्रयोग काल जो है वो 1924 से लेकर के जो है 1932 तक माना जाता है। इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है एल्टन मेयो। इसके जनक जो है एल्टन मेयो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, तो आदेश की एकता सिद्धांत से तात्पर्य है अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना, वही क्या होता है आदेश की एकता होता है। ठीक है, तो हेनरी फयोल और गुलिक वेवरवी के सिद्धांत के प्रमुख माने जाते हैं, आदेश की एकता के सिद्धांत के प्रवर्तक में हेनरी फयोल, गुलिक और उर्विक, ये तीनों जो है माने जाते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है, तो ये कहा था लूथर गुलिक ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकन राजनीति विज्ञानी एवं प्रशासनिक चिंतक था लूथर गुलिक, और इसने कहा था कि भौतिक या रसायन की तरह जो है प्रशासन भी सिद्धांतों में शामिल होता है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लूथर गुलिक का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1937 में आई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ये उनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, तो ये कहा था गिलक्राइस्ट ने, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मताधिकार का अर्थ मत देने का अधिकार होता है, जब समस्त वयस्क नागरिकों को चाहे वे किसी जाति अथवा वर्ग के हों मत देने का अधिकार हो, उसे सार्वलौकिक या वयस्क मताधिकार कहते हैं।
गिलक्राइस्ट ने कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है, तो क्षेत्रीय दल। भारत में चुनाव आयोग द्वारा जो है परिभाषित दलों में क्षेत्रीय दल का जिक्र नहीं है, जबकि इसमें जो है राष्ट्रीय दल, राज्य दल व पंजीकृत दल जो है इन सभी का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा, तो ये कहा था हरमन फाइनर ने, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। हरमन फाइनर ने जो है राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फाइनर मानता था कि राजनीतिक दल नीतियाँ बनाते हैं, मंचों की रचना करते हैं, विधानसभाओं में स्थान प्राप्त करते हैं तथा यदि वे बहुमत प्राप्त कर लें तो उनके सिद्धांत लागू होने लगते हैं, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ, तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन हुआ था, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वो 1909 से हुई थी, 1909 के भारत परिषद अधिनियम से हुई थी, जिसमें मुस्लिमों के लिए जो है अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये कहा था डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य जो है स्वराज्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अम्बेडकर द्वारा ये कहा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे भारतीय राजनेता थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जाति प्रथा के समापन में लगा दिया था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो राज्य विधान परिषद को, ठीक है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु इस सदन को जो है समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 169 है इसके अंतर्गत इसके गठन एवं विघटन की व्याख्या की गई है, और संसद एक विधान परिषद को तब विघटित कर सकती है और इसका गठन कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द कालीजियम का संबंध है, तो कालीजियम का संबंध किसे है, तो ये है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। कालीजियम शब्द का संबंध जो होता है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। कालीजियम मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसी की सिफारिश के आधार पर जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए हैं, तो 79, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 हो सकती है, और व्यवहारतः वर्तमान समय में जो है लोकसभा की प्रभावी संख्या जो है 530 है राज्यों के प्रतिनिधि, प्लस 13 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, और प्लस जो है 2 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देश, यानी 545 है। और लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान जो सुरक्षित किया गया है वो 79 है, जबकि वर्तमान समय में यह संख्या जो है 84 हो गई है, तो वर्तमान समय में 84 हो गई है लेकिन पहले जो निर्धारित किया गया था वो 79 निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होती है, तो विधानसभा के लिए गणपूर्ति क्या होती है, तो सदन के कुल सदस्य में से 1/10। संविधान का अनुच्छेद 189 के अनुसार जो है विधानसभा की बैठक हेतु आवश्यक गणपूर्ति सदन के कुल सदस्य का 1/10 भाग है, किंतु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो विधानसभा की गणपूर्ति के लिए सदस्य की संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग या 10 से अधिक हो, ठीक है, यही आवश्यक मानी जाती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है,
तो अनुच्छेद 2, ठीक है, अमेरिकी संविधान का निर्माण जो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन 21 फरवरी 1787 में हुआ था, और संविधान का प्रयोग जो है 4 मार्च 1789 को हुआ। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के अनुसार जो है अमेरिका में संविधान द्वारा जो है सीमित सरकार की स्थापना हुई थी, और मूल अधिकारों को संविधान में पहले 10 संशोधनों के द्वारा जो है शामिल किया गया था। अमेरिकी संविधान का जो अनुच्छेद 2 है ये राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था पॉल एपलवी ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी लोक प्रशासनिक चिंतक था पॉल एच एपलवी ने, और इसने भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक पद की समाप्ति का सुझाव दिया था। ठीक है, एपलवी जो है कैग के कार्यप्रणाली के कड़े आलोचक रहे हैं। ठीक है, यानी महालेखक परीक्षक के कड़े आलोचना किया था पॉल एपलवी ने, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारत का संयुक्त राज्य बना, तो ये तो सही है। 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में एक एक प्रति भेजने का हस्ताक्षर बना, तो यही आपका त्रुटिपूर्ण है, यही आपका गलत है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जो है सिक्किम को भारत में सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, और जबकि जो 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक प्रतिनिधि भेजने का जो हकदार बना ये गलत है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया? तो ये मॉरिस जॉन्स, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु भारतीय संघात्मक व्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक संघात्मक संविधान बताया था। ठीक है, और भारत की संघात्मक व्यवस्था के बारे में बहुत सारे विद्वान ने कुछ ना कुछ कहा है, तो इसमें जो मॉरिस जॉन्स थे इसको सौदेबाजी की व्यवस्था कहा था। ठीक है, और एएच विर्च थे और ग्रेनविल आस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। आस्टिन और विर्च, इन्होंने भारतीय संघ को जो है सहकारी संघवाद की संज्ञा दिया था। ठीक है, और मॉरिस जॉन्स जो है ये सौदेबाजी का व्यवस्था बताया था, और केसी वियर ने भारतीय संघ को क्या कहा था, अर्धसंघात्मक कहा था केसी वियर ने, और एलेक्जेंड्रोविच ने भारतीय संघ को एक सच्चा संघ कहा था। ठीक है, तो इन तीनों चारों को आप लोग याद रखिएगा, कोई ना कोई जरूर पूछता है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है, यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे कहा जाएगा, तो उसे सहकारी संघ व्यवस्था कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को कहा जाता है, तो राज्यों का संघ। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह अनुच्छेद भारत के आधिकारिक नाम तथा उसके प्रशासनिक स्वरूप को स्पष्ट करता है, और इसके अनुसार जो है भारतीय संघ के 2 आधिकारिक नाम भारत और इंडिया होंगे, तथा इसका प्रशासनिक ढांचा जो होगा वो संघीय होगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारतीय संघ को जो है फेडरल संघीय नहीं बल्कि राज्यों का संघ कहा गया है, तो ये सभी जो है बात अनुच्छेद 1 में कही गई हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला शब्द है, क्वेश्चन है, लेटिन शब्द मैंडेमस या परमादेश का अर्थ क्या होता है? तो हम आदेश देते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परमादेश एक न्यायिक उपचार है जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक पद धारण करता हो और विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो, वहाँ पर न्यायालय द्वारा जो है इस याचिका या निरीट को जारी कर कर्तव्यों के लिए बाध्य किया जाता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में इस याचिका का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेष अधिकार देता है? तो ये देता है राज्यों को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 जो है ये पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए राज्यों को विशेष अधिकार देता है। और इसमें जो है 15 के 4 और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट राज्य दे दिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच अंतर समाप्त हो गया? तो ये लोकहितवाद के कारण, ठीक है, लोकहित के कारण जो है अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच अंतर समाप्त हो गया। लोकहितवाद में जो है न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि मूल अधिकार जो भंग हो चुका है उसके विरुद्ध राहत प्रदान करने की भी है, और इसके माध्यम से नागरिक ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर पाते हैं जिनके साथ आम जनता का हित बंधा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित मानी जाती है किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद है आपका 19(1)(a), ठीक है। अनुच्छेद 19(1)(a) जो है इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता की कोई बात नहीं की जाती है, प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित मानी जाती है। और 19(1)(a) जो है ये वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है। और 19(1)(b) जो है ये शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार देता है। और 1(c) जो है इसमें जो है संगम या संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकटकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में संकट की स्थिति में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातों का उल्लेख किया गया है। 352 जो है इसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल लगाया जाता है। और 356 जो है कि अधीन राज्य के संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर उस पर आपात लगाया जाता है। और 360 जो है ये वित्तीय आपात होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो मतदाता, ठीक है। संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 37 है इसके अनुसार भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं होंगे। इसका उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय में रिट याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है, नहीं तो इसके उल्लंघन के विरुद्ध वाद ही दाखिल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो ये 2009 में, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम ये कब आया था? तो ये आया था आपका 1986, ठीक है, 1986। और इसमें संशोधन हुआ था एक बार 2019। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो ये आया था आपका 2013, ठीक है। और भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम तो ये आया था आपका 1988 में, लेकिन ये संशोधन हुआ था 2013 में एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया था? तो डी आएगा था 1988, उसके बाद आपका 1986 हो जाएगा, उसके बाद 2009 हो जाएगा, उसके बाद 2013 हो जाएगा। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस एक संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांत शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है आपातकालीन उपबंध में जो आंतरिक अशांति शब्द था उसके स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। अर्थात ये बताया गया था कि आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ये घोषित किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है
तो लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में परिभाषित और अपरिभाषित दोनों है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ था, इसके अनुसार जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ऐसा बात कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है, तो भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसने डाला है? तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के संवैधानिक इतिहास में भारत शासन एक्ट 1935 का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस एक्ट के द्वारा जो है देश को एक लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, यहाँ पे चारों हो जाएगा, नहीं चारों नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद जो 249 है, ये राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में यदि राष्ट्रीय हित निहित हो तो उस स्थिति में विधि बनाने की संसद को शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 250 है, इसके अनुसार जो है यदि आपात की घोषणा प्रवर्तन हो तो राज्य सूची की विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति जो है संसद के पास निहित होती है। और जो 252 है, 252 में यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल सहमति प्रदान करे तो इस स्थिति में संसद को विधि बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनाने में समय लगा था, तो आप लोग जानते होंगे कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है, तो राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, राष्ट्र की एकता, अखंडता का उल्लेख तो है, किंतु राजनीतिक समानता का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था नागरिकता अधिनियम? तो ये 1955 में पारित किया गया था, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था, और इसके अंतर्गत जो है नागरिकता प्राप्त करने के तरीके के बारे में चर्चा की गई थी, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दल समूह को कैबिनेट मिशन में मान्यता प्रदान नहीं थी? तो ये था आपका सिख को, ठीक है, सिख समूह को जो है कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की, जबकि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और द प्रिंसेस गिल्ड को कैबिनेट मिशन 1946 की मान्यता प्राप्त थी, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा आयोग में सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 सही है, हिंदू महासभा 1916 ये भी सही है, स्वराज दल 1923 ये भी सही है, भारतीय जनसंघ ये 1950 नहीं था, 1951 था, ठीक है, 1951 था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, विचारक है, अवधारणा है, इसको मिलान करना है, तो दादा भाई नौरोजी किस अवधारणा से संबंधित हैं? तो दादा भाई नौरोजी अपवहन सिद्धांत से हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ये किससे हैं? तो महात्मा गांधी जो है ये न्यासिता से हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ये हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय से, और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका कूट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो ये समग्र क्रांति से, ठीक है, गांधी का ही अनुसरण करते हुए जयप्रकाश नारायण ने भी जो है सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों को सर्वप्रथम अपने आचार विचार में परिवर्तन लाने को कहा, और इसी में उनके संपूर्ण या समग्र क्रांति का सारा दर्शन छिपा था। और 1975 में देखा जाए तो 1975 में 5 लाख लोगों की भीड़ के साथ एक पटना के गांधी मैदान में भ्रष्ट सरकार, बुरी अर्थव्यवस्था एवं जाति प्रथा के दोषों के साथ क्रांतिकारी कार्यक्रम का आरंभ किया था, ठीक है, तो उसी दौरान जो है ये आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? तो मावो जो है सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है।
सांस्कृतिक क्रांति माओ की महत्वाकांक्षा का उपज है। माओ के अनुसार जो है सांस्कृतिक क्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की औद्योगिक क्रांति, क्योंकि वह ज्ञान की नई प्रणाली का सृजन करती है। यह जनसाधारण को औद्योगिकरण की मूल्यवत्ता का अनुभव कराती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है राम मनोहर लोहिया समर्थक थे, तो विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जो है विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। लोहिया अनेक सिद्धांतों, कार्यक्रमों और क्रांतियों के जनक माने जाते हैं। ठीक है, सप्त क्रांति इसमें प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। सप्त क्रांति भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ही देन है, और इसमें लोहिया जी ने सात ऐसे सिद्धांतों या क्रांतियों का जिक्र किया है जिसके माध्यम से ही समाज सुधार का काम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है, तो महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है? तीन प्रकार की है अहिंसा। ठीक है, गांधी जी के अनुसार जो है अहिंसा तीन प्रकार की होती है। पहला होता है जागृत अहिंसा, दूसरा होता है कायरों की अहिंसा, तीसरी होती है औचित्यपूर्ण की अहिंसा। ठीक है, और गांधी जी जो है जागृत अहिंसा को वीर पुरुषों की अहिंसा मानते थे। इस प्रकार जो है अहिंसा अंतरात्मा की स्वाभाविक पुकार से जन्म लेती है, जबकि औचित्यपूर्ण जो अहिंसा था वो आवश्यकता पड़ने पर नीति के रूप में अपनाई जाती है, और कायरों की अहिंसा डरपोक एवं कायर व्यक्ति के लिए अहिंसा होती है। तो उन्होंने तीन प्रकार की अहिंसा की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है, तो इस किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, कौटिल्य ने राजा के कर्तव्य की चर्चा करते हुए कहा था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है, और राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है, प्रजा के सुख ही उसका सुख है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा आरम्भ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? तो आप लोग जानते होंगे चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये 1917 में जो है महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? तो ये कहा था माओ जेडोंग ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माओ जेडोंग या माओ से तुंग इनको भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। माओ जो है ये चीनी क्रांति के नायक एवं चीन के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष थे, और 1 अक्टूबर 1949 को जो है माओवादी शासन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी थी, और 1976 में अपने निधन तक जो है सर्वोच्च पद पर वो बने रहे थे। अगला क्वेश्चन है किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा था? तो ये कहा था मार्क्स ने। ठीक है, मार्क्स ने विचारधारा को भ्रामक चेतना की संज्ञा दी थी। मार्क्सवाद के अंतर्गत जो है विचारधारा ऐसा तत्व है जो प्रभुत्वशाली वर्ग को अपने शासन के लिए वैधता प्राप्त करने में सहायता देता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक युद्ध की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो माओ से तुंग को। ठीक है, लोक युद्ध की संकल्पना विकसित करने का श्रेय जो है माओ से तुंग को जाता है। उनके अनुसार जो है युद्ध में हथियार का अपना महत्व है, पर वे निर्णायक तत्व नहीं है। निर्णय जो है मनुष्य के द्वारा किया जाता है, जड़ वस्तु के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य की क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य और क्रांति के बारे में जो है मार्क्स का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है। कार्ल मार्क्स जो है 19वीं सदी का महान मार्क्सवादी विचारक था। उसके अनुसार जो है राज्य शोषण का यंत्र है। मार्क्स जो है राज्यविहीन एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहता था, जिसके लिए उसने क्रांति का सहारा लिया था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह कल्पना की थी कि अंततः राज्य विघटित हो जाएगा? तो ये कार्ल मार्क्स, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पूंजीवाद के अंतर्गत जो है पूंजीपतियों को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मजदूरों की जरूरत होती है, परंतु समाजवाद के अंतर्गत जो है मजदूरों को अपना काम चलाने के लिए पूंजीपतियों की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रांतियाँ ही इतिहास को आगे बढ़ाती हैं, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध कथन है आपका कार्ल मार्क्स का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रांतियाँ ही इतिहास को आगे बढ़ाती हैं, यह मार्क्स का कथन है। मार्क्स जो है क्रांति को सामाजिक प्रगति का सशक्त माध्यम मानता है, और उसकी पुस्तक थी जो एक द क्रिकेट ऑफ पॉलिटिक
प्रैक्टिकल इकोनॉमी, इसमें इन्होंने जो है तर्क दिया था कि प्रत्येक ऐतिहासिक युग के अंत में एक ऐसा बिंदु आता है जब नई उत्पादक शक्तियाँ पहले से विद्यमान वर्ग संघर्षों या संपत्ति संबंधों के साथ संघर्ष करती हैं। इसी से जो है सामाजिक क्रांति होती है और इतिहास आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की थी? तो ये किया था यमन राय ने, भी ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। यमन राय ने जो है मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। यमन राय के अनुसार जो है अतिरिक्त मूल्य के अभाव में कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकोलो मैकियावेली के अनुसार एक शासक में कुछ गुण होना चाहिए, निम्नलिखित में से वे किसके पक्ष में नहीं थे? तो वो दया के पक्ष में नहीं था। ठीक है, मैकियावेली की एक पुस्तक थी द प्रिंस, इसमें उन्होंने कहा था कि उन साधनों एवं विधियों का वर्णन किया जाए जिनके द्वारा दृढ़ संकल्प और चतुर शासक सफलतापूर्वक राजनीतिक सत्ता का उपार्जन, परीक्षण और प्रसार कर सकता है। मैकियावेली के अनुसार जो है शासक में कुछ गुण होने चाहिए, जैसे बुद्धि, दृढ़ संकल्प, साहस, चतुराई और लचीलापन, वह दया रूपी गुण के पक्ष में वो नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है? तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी कौन था? तो जीएस मिल था। ठीक है, जीएस मिल जो है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी था। उसने इस बात पर बल दिया कि मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनका एक निश्चय बौद्धिक स्तर हो, किंतु उसमें लिंग का भेदभाव नहीं हो। मिल ने कहा था कि मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी ऐसे व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो जो कि लिखना पढ़ना तथा साधारण गणित भी न जानता हो। तो अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, तो वो था मैकियावेली। ठीक है, कई राजनीतिक दार्शनिकों का मानना है कि सर्वप्रथम मैकियावेली ने जो है आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग अपने लेखन में किया था, और उसने जो 1532 में एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, उसमें उन्होंने स्टेट राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और भूक्षेत्रीय संप्रिय सरकार का वर्णन करने के लिए इसमें किया गया था राज्य शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है, मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? तो ये हॉब्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जॉन लॉक का ऐसे जान द लॉ ऑफ नेचर जॉन लॉक का था, सही है। इससे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये भी आपका जॉन लॉक का ही है। ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये भी उन्हीं का है। द कॉलेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ द रोमांस, ये उसकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, ये पुस्तक जॉन लॉक की नहीं है। ये पुस्तक किसकी है? तो ये मॉन्टेस्क्यू की है। ठीक है, ये मॉन्टेस्क्यू की है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? तो ये प्लेटो और अरस्तो को। ठीक है, यूनान के दार्शनिक मनीषियों में जो है सुकरात एवं प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम उल्लेखनीय है। यह यूनान के अमर गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान माना जाता है। यूनान का दर्शन बीज की तरह सुकरात में आया और लता की भांति जो है प्लेटो में फैला और पुष्प की भांति जो है अरस्तु में लिखा गया, खिल गया। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखिएगा, ये पूछता भी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? तो संत टॉमस एक्विनास, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्विनास जो है अरस्तु की पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अरस्तु के दर्शन को जो है मसीही धर्म की मान्यताओं के साथ जो है समन्वित करके धर्मशास्त्रीय, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रामाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं पर आधारित हुई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह थी, तो वह कौन सी पद्धति थी? तो सो उद्देश्य परक पद्धति थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जो है सो उद्देश्य परक पद्धति का प्रयोग किया था। अरस्तु का यह सिद्ध करना था कि राज्य जन्म के विकास के कारण हुआ है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो ये सेबाइन ने कहा था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेबाइन की एक पुस्तक थी ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, इसमें जो है सेबाइन प्लेटो और अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणाओं का अध्ययन करता है और उसके अनुसार जो है जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, ऐसा कहा था सेबाइन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? तो शासक के लिए न्याय सबसे विशिष्ट माना जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरस्तु ने अपने गुरु की तरह जो है न्याय की बड़ी विशद और विस्तृत व्याख्या की है। अरस्तु का कहना है कि न्याय अपने व्यापकतम अर्थ में सदाचार का पर्यावाची है, इस दृष्टि से जो है समस्त नैतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति को ही न्यायशील माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका हंटिंगटन, ठीक है, पी हंटिंगटन ने जो है 1965 में एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल ड्रेसी, और इसमें जो है आधुनिकीकरण और अपक्षय का सिद्धांत दिया था। और हंगेटन के अनुसार जो है राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक क्षरण भी होता है और राजनीतिक अपक्षय का मूल कारण है राजनीतिक संगठनों व क्रिया विधियों का संस्थाकरण न होना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारीवाद की कौन सी धारा यह रेखांकित करती है कि महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है? तो ये करता है आपका सांस्कृतिक नारीवाद, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सांस्कृतिक नारीवाद की धारा यह रेखांकित करती है कि महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है। अगला क्वेश्चन है, द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिटिक्स कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, इसका पूरा नाम था, ये 1963 में लिखी गई थी। संचार सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे कार्ल डायच, ठीक है, तो कार्ल डायच के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? तो उसका वास्तविक स्वरूप जो है वो परंपरागत है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इज चेंजिंग सोसाइटीज, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हंटिंगटन के द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर इज चेंजिंग सोसाइटी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, द थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ये सभी पुस्तकें जो है हंटिंगटन का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ग्रेबियल आमंड द्वारा हित समूह के एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है? तो ये अभिवृत्तिक हित समूह, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आमंड द्वारा जो है हित समूहों की श्रेणी के रूप में अभिवृत्तिक हित समूह को प्रस्तुत नहीं किया गया है। आमंड एवं पावेल के अनुसार जो है दबाव समूहों के तीन रूप बताए हैं, पहला है संस्थात्मक दबाव समूह, दूसरा है साहचर्य हित समूह या दबाव समूह, या गैर संघीय हित समूह या दबाव समूह, तो तीन समूहों का उन्होंने वर्णन किया था, इसमें चौथा वो शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हार्थोन प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था आपका एल्टन मेयो के नेतृत्व में, ठीक है। हार्थोर्न प्रयोग जो है का नेतृत्व मानव संबंध विचारधारा के जनक एल्टन मेयो ने किया था और इन प्रयोग के द्वारा जो है मेयो ने सामाजिक आर्थिक व मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए मजदूरों के व्यवहार व उत्पादन क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया था और मेयो ने इसे रोग जाँच पद्धति भी कहा था। अगला क्वेश्चन है, राज्य को पीछे धकेलो निम्नलिखित में से किस अवधारणा से जुड़ा है? तो ये निजीकरण और उदारीकरण से जुड़ा है,
राज्य को पीछे धकेलो, यह अवधारणा निजीकरण एवं उदारीकरण से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? तो ये है साम्यवादी व्यवस्था का। ठीक है, हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र जो है साम्यवादी व्यवस्था का मूल है। साम्यवादी व्यवस्था या विचारधारा जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर प्रचलित हुई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो ये ब्रिटेन से रहा है। ठीक है, श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से है, जो श्रम संघवाद का एक रूप है। श्रेणी समाजवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ए आर आरेज को और ए जी पेंटी को। ठीक है, और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो इसके समर्थक में जी डी एच कोल और हाफसन के नाम भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है? तो समाजवाद किसका प्रतिपादन करता है? तो राज्य के द्वारा नियोजन हो, इसका प्रतिपादन करता है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एकदाई है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका है? तो ये डाइसी का है। डाइसी ने कहा था व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन कौन सा नहीं है? तो दबाव समूह। ठीक है, दबाव समूह जो होता है ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है? तो ये है ब्रिटेन का। ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन जो होता है लॉर्ड सभा, जिसको कहते हैं, विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है। यह मात्र विलंबकारी सदन का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, इसमें मिलान करना है आपको। तो TDP ये किस राज्य से संबंधित है? तो TDP ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और TMC ये किस, तृणमूल कांग्रेस जिसको कहते हैं, तो ये किससे है? तो ये पश्चिमी बंगाल से है। और DMK कहाँ से है, जिसको द्रविड़ मुन्नेत्र कंगडम किसके कहते हैं, तो ये है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, और BJD यानी बीजू जनता दल ये कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कोड सही हो जा रहा है? आपका सी नंबर इसमें आपका सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियाँ राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों इकाइयों के पास रहती हैं? तो ये USA और स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है USA और स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों के पास रहती हैं। अवशिष्ट शक्ति से तात्पर्य होता है कि ऐसी शक्ति से है जो न तो संघीय सूची में शामिल होती है और न ही राज्य सूची में। भारत में अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का कार्य कौन करता है? तो वो संसद करती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? तो पुराना जहाँ पे आ गया वो है आपका लॉर्ड सभा। ठीक है, लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशगत है। लॉर्ड सभा जो है विश्व का सबसे पुराना द्वितीय सदन माना जाता है। अगला है, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं? तो ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका राजकोष विभाग कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विचारक संविधान एक संविधानवाद में अंतर नहीं मानता? तो ये है CF Strong। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, CF Strong की एक पुस्तक थी मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें जो है संविधान व संविधानवाद में अंतर नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि यह कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण माना जाता है कि यह कार्यकारिणी की स्थिरता को जो है सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विधि राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? तो यह है संवैधानिक विधि। ठीक है, किसी
विधि जो है किसी नियम संहिता को कहते हैं। विधि प्राय भली भांति लिखी हुई सूचकांकों के रूप में होती है। समाज को सम्यक ढंग से चलाने के लिए जो है विधि अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है? तो ये जॉन रॉल्स, ठीक है, जॉन रॉल्स ने न्याय को न्याय की उचितता के रूप में जो है घोषित किया है। रॉल्स की एक पुस्तक थी, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, और इसमें उन्होंने कहा था कि न्याय की धारणा औचित्य है पर आधारित है, न कि उपयोगिता पर। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार जो है शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो ये किसके अनुसार कहा गया है? तो ये थ्रेसी मेकर्स के द्वारा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्रेसी मेकर्स के ने कहता है कि मेरा दावा है कि शक्ति ही आधार का प्रमाण है और शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो आप लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश व उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। तो मध्य प्रदेश में शायद 6 सीटें हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक अच्छी खासी जनसंख्या है और इस प्रदेश की जनसंख्या का लगभग जो है 20% जनजातीय लोग का है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वास्तविक और कानूनी संप्रभुता साथ साथ रह सकते हैं। ठीक है, वो वैधानिक संप्रभुता वह सत्ता है जो विधान की दृष्टि से सर्वोच्च शक्ति है तथा राज्य के सारे कानून उसी के नाम से लागू तथा प्रचलित किए जाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा है? तो वो है सापेक्ष, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुलवादी राज्य को भी जो है अन्य सामाजिक संस्थाओं की तरह एक संस्था मानते हैं और वे सभी में शक्तियों का बंटवारा करते हैं। अगला है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया था? तो ये डायसी ने बताया था। ठीक है, डायसी ने जो है विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया था। अगला क्वेश्चन है, रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो रूसो को जो है लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है, यह कथन किसका है? तो कोल का है। ठीक है, कोल का कहना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। अगला क्वेश्चन है, न्याय तथा समानता में घनिष्ठ संबंध है, यह विचार किसका है? तो यह विचार है समाजवादियों का। ठीक है, समाजवादियों का कहना था कि न्याय तथा समानता में घनिष्ठ संबंध है। अगला क्वेश्चन है, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य हैं, तो किसके तथ्य हैं? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का तथ्य है। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र जो आया था 1776 में, ठीक है, इसके अंतर्गत इस स्वयं सिद्ध सत्य की पुष्टि की गई थी, सब मनुष्य जन्म से समान हैं, उनके जन्मदाता या सृजनकर्ता ने उन्हें कुछ अपक्रम अधिकार प्रदान किए हैं, इसमें जीवन स्वतंत्रता और सुख की साधना या जिसे सुखानुसरण कहते हैं इसका अधिकार इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? तो वैधानिक अधिकारों के पीछे जो है कानून की शक्ति होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका लॉर्ड एक्टन का, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया था? तो ये किया था जॉन रॉल्स ने। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिएगा, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांतों का इस्तेमाल किसने किया था? तो जॉन रॉल्स ने किया था और नाजिक ने भी किया था। तो ये दोनों सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा, यानी आपका कोट नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? तो
तो हेनरी मेन के द्वारा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत का उल्लेख मिलता है, उनमें से राज्य का ऐतिहासिक सिद्धांत भी एक है और इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक जो है सर हेनरी मेन थे। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, इधर अवधारणाएं हैं इधर विचारक है, इसको मिलान करना है। को राज्य का दार्शनिक सिद्धांत ये किसका है, तो राज्य का दार्शनिक सिद्धांत ये है बोसांके का। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत ये किसका है, तो ये है कैल्सन का, ठीक है। और दार्शनिक उग्रवाद ये किसका है, तो ये है आपका बेंथम का, ठीक है। और नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्वदशा के रूप में गणतंत्रवाद ये था मैकियावेली का, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका, पहला नंबर कोट आपका इसमें सही हो जाएगा। और ये चारों आप लोग दो बार जरूर देख लीजिएगा। अगला है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु तो अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है आपका जेलीनेक का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ग के विचारक ने वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया, तो हीगल और मार्क्स ने, ठीक है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीगल एवं मार्क्स ने जो है अपने दर्शन में वाद प्रतिवाद एवं संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था, ठीक है। द्वंद्वात्मक पद्धति का अभिप्राय होता है कि परस्पर विरोधी विचारों एवं तर्कों के टकराव से जो है सत्ता की प्राप्ति करना, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य राज्य एक माध्यम है, कल्याणकारी राज्य जो है ये राज्य को एक माध्यम मानता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया, तो ये टीएच ग्रीन, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। टीएच ग्रीन ने जो है राज्य से तीन बड़ी बुराइयों, अज्ञानता, गरीबी व नशाखोरी के उन्मूलन पर जो है बल दिया था, और इस प्रकार उसने जो है कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि कल्याणकारी राज्य प्रबंध का प्रयोग जो है टेम्पिल ने अपनी पुस्तक एक लिखी थी सिटीजनशिप, और इसमें जो है अधिनायकों के सत्तावादी राज्य शब्द का जो है इसमें विरोध किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है, तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये उसका अवधारणा नहीं था, ठीक है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका था, तो ये था हीगल का, ठीक है, ये कथन था हीगल का, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मजदूरों का कोई देश नहीं होता, राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य शोषण का एक तंत्र है, ठीक है, ये तीनों कथन किसका था, तो ये कार्ल मार्क्स का था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था लीकॉक ने, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लीकॉक ने जो है राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित व्यक्तियों का एक समूह ही राज्य है ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है तथा सुमेलित कीजिए दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है, तो रॉबर्ट नोजिक ये किससे संबंधित था, तो रॉबर्ट नोजिक जो था वो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, ए में तीन सही हो जाएगा, ठीक है। और डी एल हॉफमैन ये किससे संबंधित था, द वेलफेयर स्टेट से, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। और टिटमस ये किससे संबंधित था, तो टिटमस जो था एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट से संबंधित था, ठीक है। और एलेक्जेंडर द एंटीज ये किससे था, तो ये द नोशन ऑफ द स्टेट इससे संबंधित था, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो कोट नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। और इन चारों को एक दो बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीति व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो, यह परिभाषा किस विद्वान की है, तो ये परिभाषा है आपकी रॉबर्ट डहल की, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और रॉबर्ट डहल ने जो है ये परिभाषा दिया था,
रॉबर्ट डहल एक राजनीतिक सिद्धांतकार और राजनीति के प्रोफेसर था, और इन्होंने जो है लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन भी इसने किया था। ठीक है, तो और रॉबर्ट डहल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है, ऑन डेमोक्रेसी जो 1998 में आई थी, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है इसकी, और इसको आप लोग याद कर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, इस सिद्धांत पर किसकी आस्था थी? तो मॉन्टेस्क्यू की। ठीक है, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, इस सिद्धांत में मॉन्टेस्क्यू की आस्था थी। तो और इनकी एक पुस्तक थी मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो 1748 में आई थी। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, यह कथन किसका है? ये जॉन स्टुअर्ट मिल की है। ठीक है, और मैं पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, यह कथन जीएस मिल का है, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का है। और जीएस मिल ने जो है बेंथम के मात्रात्मक व यांत्रिक फार्मूले को नकार दिया था, और नकारते हुए कहा था कि मैं पीटर हूँ जिसने अपने मालिक को मना कर दिया है।